साथियों, आज फिर मैं आपको एक कहानी पढ़ के सुनाऊंगा जो मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई और जिसके लेखक हैं साकी H.H. मनरो, जिनका उपनाम है और जिनका जन्म 1870 में ब्रिटिश बर्मा में हुआ था। उन दिनों बर्मा भारत की ही एक राजनीतिक इकाई था और इनकी मृत्यु 1916 में फ्रांस में हुई। 1914 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इनकी उम्र 40 साल के करीब थी और ये अपनी इच्छा से अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए और 13 नवंबर 1916 को फ्रांसीसी जमीन पर जर्मन सेना से लड़ते हुए युद्ध के मैदान में इनका देहांत हो गया। मनरो एक नाटककार, उपन्यासकार एवं इतिहासकार भी थे, लेकिन कहानी विधा के क्षेत्र में इनको विश्व में ख्याति प्राप्त हुई। द इंटरपोलर, द ओपन विंडो, द टॉयज ऑफ पीस, द बुल, द ईस्ट विंग, इनकी अनेक कहानियां हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। और इनकी कहानियों में आमतौर पे जो मनुष्य का दंभ है और जो प्रकृति के साथ उसका संघर्ष है उसके दर्शन होते हैं। और उनकी एक कहानी है द इंटरपोलर, इसका हरियाणवी अनुवाद मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अनुवाद किया है राजेंद्र सिंह जी ने, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग में अंग्रेजी के। आप सुनिए साकी की प्रसिद्ध कहानी द इंटरपोलर का हरियाणवी में अनुवाद, जिसका शीर्षक दिया है असली मालिक। इस कहानी से दो बातें विशेष तौर पे आप रेखांकित करेंगे। एक कि हरियाणवी भाषा में भी विश्व की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनका अनुवाद संभव है बिना कोई परिवर्तन किए। दूसरा, जो साहित्य की सार्वभौमिकता है, जो उसकी सार्वदेशकालिता है, जो उसकी यूनिवर्सलिटी है, उसके दर्शन भी इसमें होंगे। तो मैं शुरू करता हूं कहानी पढ़ना असली मालक। बात जाड्या की एक रात की है। कार्पेथियन पहाड़ के पूर्विया किनारे पर शांगणे बणा के बिच्चों बीच जड़े 100 तरह के झाड़ बोझड़े खड़े थे। एक मानस अपनी बंदूक ताने न्यू चुकन्ना खड़ा था, जनों किसी जंगली पशु की निशाने पर आण की बाट देख रहा हो। पर जिस शिकार ने वो आज इतने ध्यान से टोन लग रहा था, शिकारी हिसाब किताब तय वह जड़ते गलत थी। उर्लिक वान ग्रैंडविच, जिस शिकार खातर इस बण में धक्के खान लग रहा था, वो असल में एक जिंदा जागदा मानस था, उसका एक पड़ोसी, उसका सबसे बड़ा बैरी। उर्लिक एक बड़ा जमींदार था, खेत और जंगलात मिलाकर लंबे चौड़े मुरब्बे का मालिक था। शिकार खातर जी जनेवरा की कोई कमी थी नहीं। यू जो जमा खड़ी पहाड़ी पे छोटा सा बण था उसके खेतां की सीम पे पड़ा था। इस बण में ना तो कोई खास से जी जनेवर थे और ना शिकार करने की कोई बढ़िया सी खुली डुल्ली जगह थी। पर एक बात थी, उर्लिक ने आज तक सबसे गणे रुखाड़ भी इसे हिस्से की करी थी। जमीन के इस टुकड़े खातर उसके दादा ने कई साल कचहरिया में मुकदमा लड़ा था और मुकदमा जीत कर पड़ोस के एक टुच्चे से जमींदार पे इसका कब्जा लिया था। कचहरी का फैसला दूसरी पार्टी ने कदे भी मनते नहीं माना। उन्हें इस जंगल में लुक छिप के आना जाना और शिकार करना बंद नहीं कराया। इन्हें बातों ने लेकर दोनों कुड़ुंबे एक दूसरे तय कसुत्ते कटे थे और आपसरी में गणी जलन थी। यू बैर 3 पिटी का चाल आने लग रहा था। उर्लिक पक्का खोरी था,
जिस दिन तक उसने लेन देन संभाला था, पड़ोस की इस लड़ाई उसकी निजी रंजिश में बदल गई थी। जे धरती पर कोई एक मानस था जिस तक उर्लिक बेशाबी नफरत करा था और उसका बुरा चावा था, तो वो जोरक जीनियम था। जोरक भी यू बैर दादा लाई चीज की तरह मिला था और वो खुद भी उर्लिक का कुछ ना कुछ लाग गया था। वो जानबूझ के अपने खेत की ड्योल पार करके इस जंगल में आंदा और शिकार मार के ले जाता। जिन दोनों मनसा का आपसी बैर रोड़ा नहीं बनता तो उसके था इब तक कोई सुलह हो जाती या फिर झगड़ा थोड़ा बहुत ढिल्ला ही पड़ जाता। बालकपण ते दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और जितना उसके था एक दूसरे का बुरा बनावे थे। उनती आज तक दोनों हाथ ठाक है, जो ऊपर आले ते कुछ मांगा था तो बस एक दूसरे की मौत मांगी थी। और जाड्या की इस रात ने जब सीढ़ी बाल का डुंडा पाट रहा था, उर्लिक अपने नौकर चाकर और शिकारियों के टोड़ने लेकर जंगल में पहुंच लिया था। आज उसके दिमाग में कोई चौपाए जानवर को नहीं थे, उसने तो चोरा की टो थी जो उसके बण की सीम पर भड़क के शिकार ठा कर ले जाकर दे। तूफानी रात ने भी कितने लुक के बैठने की बजाय मिर्गा की डार न्यूबाजी फिरे थी, जनों कोई पाछा लाग रहे हो। जिन जन्योरिया का यू सोन का टाइम था उनका भी पासना पाट रहा था, बण में कोई ना कोई तो जरूर था। उर्लिक ने हिसाब ला लिया कि यह गड़बड़ बण के कौन से हिस्से में थी। उर्लिक ने अपने साथियों तय चुकन्ना रहने की कह कह वह सारे पहाड़ की चोटी पर बिठा दिए और खुद तड़ा खाई में उतर गया। जाड़ बोझड़े और रुखा में को उलझदा लिकड़दा वो गणाए तले पहुंच गया। उसका पूरा ध्यान बस चोर घुस पैठिया की आवाज का नहीं था, बस आज की रात क्युकरे भी इस अंधेरे में इस खाली सुनसान जगह में जोरक जीनियम उसके श्यामी आ जाए, बस या एक बात फिरकी की तरह उसके दिमाग में चक्कर काटने लग रही थी। चलते चलते जब उसने एक मोटे से रूख का चक्कर काटा तो उर्लिक उस दुश्मन के ठीक श्यामी खड़ा था जिसने टोड़न लग रहा था। कुछ आण तो दोनों बैरी एक दूसरे ने घुर दे रहे, कुणसाए भी कुछ नहीं बोलिया। दोनों के हाथों में बंदूक थी, कालजे में नफरत थी और उससे भी ज्यादा दिमाग में खून सवार था। एक लंबे अरसे तक दबी पड़ी इच्छा ने पूरी करण की घड़ी आ गई थी, पर एक चौधरी खानदानी आदमी श्यामी आले ने बिना कुछ कहे सुने बिना मौके दिए न्यू गोली की उक्र मार दे, फिर तो इज्जत के रह जाएगी। फिर इससे पहले उनमें तक कोई भी कुछ भी करदा ऊपर आले का कहर उन दोनों पे टूट पड़ गया। एकदम कसुकती तेज बाल चाली और वो भारी रूख टूट गया, अरड़ांदा होया उनके ऊपर आ पड़ा। कुणसे ने भी बाजन का या बचन का कोई मौका नहीं मिला। चौधरी उर्लिक वान ग्रैंडविच जमीन पर पसरिया पड़ा था, एक हाथ सुन होया उसकी छाती के तले दबरिया था और दूसरा भी उतना लाचार डालिया में उलझा पड़ा था। दोनों की दोनों टांग भी बाहरी तने के नीचे फंसी पड़ी थी। उसके गोड्या तक के शिकारी जुत्या ने जुकर त्युकर उसकी टांग बचा रखी थी। जे उसकी टूट फूट उतनी बुरी नहीं थी जितनी की वह लग गई थी, एक बात साफ थी कि बिना किसी और के सहारे के वो अपनी जगह तक हिल भी नहीं सका था। एक डाली ने बुरी तरिया मुंह की खाल छील दी थी और लहू की संडीर ने आंख भी ढक ली थी। नुकसान का जायजा लेने खातर उसने कई बार आंख खोलनी और बंद करनी पड़ी। उसके अलावा कोई एक आध दूर जोरक जीनियम लंबा पसरिया पड़ा था, जिंदा था और पंजे मारा था, वो भी न्यूया लाचार दबा पड़ा था। दोनों के चुकरदे रूह के टुटे और डाले डालियां का कुंद पसरिया पड़ा था। एक और तो उर्लिक के मन में बचड़े होने की खुशी थी, उसने ऊपर आले का शान भी मान्या। दूजी ओर पेड़े के तले बिंदिया होने की खीज उसते भी गणी थी। उसके मुंह तक एक आध अच्छी बुमडी गाल भी लिकड़ी, जोरक की आंखों पर लव की धार बन रही थी, ठीक तरिया देख भी नहीं सका था। उसने हाथ पा मारने छोड़ कर अपने कान लाए और फिर जलेवे में गंदी सी हंसी हंसदे हुए बोलिया, अच्छा रे बैरी इब तक जिंदा है, मरे भी क्यों था, पर चलो फंसा तो।
और तगड़ा फसया। आहा मजा आ गया। उर्लिक वान ग्रेडविच अपने कब्जाए हुए जंगल के फंदे में फंस गया। जमा ठीक बने, ठीक न्या होया तेरी से तेरी गल। न्यू कह गया जोरग फिर जोरता हंसया। उसकी हंसी में ईर्ष्या थी, खिल्ली थी, जड़ेवा था और जंगलीपन था। यू जंगल मेरा अपना सा है, उर्लिक गुर्रा के बोलिया। इसका कसम असली मालक मैं सू। चोर आज तू पहाड़ पे थे आ गया, थोड़ी सी आण में जब मेरे आदमी आके मने काटेंगे, तू आप जोड़ के न्यू माना आवेगा कि तेरी हालत इतनी बुरी नहीं होंगी जितनी की ईब है। और इब्बे और होनी है, पड़ोसी की जमीन पे चोरी करे तेरे थोड़ी सी भी शर्म को नहीं आई। थोड़ी सी आण जोरक चुप रहा, फिर आराम से बोलिया, पर तेरे आदमी आ गए तेरा काटेंगे के, तेरे में काटन जोगा कुछ बचता है को नहीं। मेरे भी मानस जंगल में से हैं, ठीक मेरे पाछे पाछे, पहला वे आवेंगे और मैंने काट लेवेंगे। जब मैंने खींचण खातर वे तने ने दिखे आवेंगे, यू तेरी छाती पे को जाएगा। जब तक तेरा टोल उरे आवेगा, रूख तले दबी बस तेरी लाह से पावेगी। तेरी मौत पे दुख का रस्मी सा संदेशा मैं तेरे घर आने तक भी पहुंचाऊंगा। यह बात तने ठीक बता दी, कड़कड़ा के उर्लिक बोलिया। मैंने अपने आदमियों से पहले ही हुक्म दे रखा था कि मेरे तय 10 मिनट पाछे चल लेंगे। जब वे मैंने काटेंगे मैं तेरी बात याद रखूंगा, और जब तू बिराने खित्ते में ठाई करेगी मौत मरेगा, मैंने नहीं लगता मैं तेरे घर तसल्ली का कोई जूठा मुठ्ठा संदेशा भी भिजवाऊंगा। बहुत बढ़िया, जोरक के बोल में जहर भरा था। शाबाश, आज यह लड़ाई मौत पे जाकर रुकेगी। तू मैं और दोनों के शिकारी, और किसी ने बीच में नहीं आना। तेरा टाइम आ लिया, आज तेरी मौत ने ऊपर वाला भी नहीं टाल सकता। उर्लिक वान ग्रेडविच, या दुर्गति तो आज तेरी होनी है। जोरक जीनियम मुर्गी चोर लक्कड़ चोर ठाई गिरे। दोनों की आवाज में कड़वापन था, उस मानस का कड़वापन जिसने अपनी हार आंखें आगे खड़ी दिख दी हो। दोनों अच्छी डाल जाने थे कि उसके शिकारिया ने आण में कितनी भी आण लग सके थी, या तो बस मौके की बात थी कि कौन सा टोल पहलम पहुंचेगा। दोनों की समझ में आ गया था कि जिस तरिया में दबे पड़े थे लिकड़न का सारा जतन बेकार था। इब्ट के आई थे पड़े थे, उर्लिक की एक बात थोड़ी सी घूम सके थी। उसने अपने कोट की बारली गोज में थे दारू की सिस्सी काट ली। सिस्सी काटे पाछे उसके अपनी हालत समझ में आई। गा गहरे थे पर श्यामी बैरी पड़ा था, करा भी नहीं सका था। ईबे जाडा ठीक के ठाक था और बर्फ भी पड़नी शुरू को नहीं हुई थी, पर उर्लिक ने जो इस उजाड़ जंगल में बुरे हाल चोट खाए पड़ा था, यह दारू अमृत वर्गी दिखे थी। सिस्सी का ढक्कन खोलण में उसका सारा जोर लाग लिया। खैर दो चार घूंट भीतर गए तो उसकी जान में जान आ गई। शामी पड़ा मानस बैरिए सही, पर टूटा फूटा तो वो भी पड़ा ही था। उर्लिक की आंखों में दया की एक झाल सी आई। जे मैं यह सिस्सी तेरे कानी फेंकूं तो इसने पकड़ सके सके, चाणचक उर्लिक बोलिया। इसमें हाथ की काटी हुई बड़ी आली दारू है, पी कर देख चैन सा पड़ेगा। चला दोनों मिलकर पीवेंगे, चाहे आज की रात अपने दोनों में तय एक की आखिरी रात क्यों ना हो। ना मने कुछ दिखता है कौन लाग रहा, मेरी दोनों आंखें में लहू कट्ठा होकर जम गया, जोरक बोलिया। और न्यू भी बैरी गले के बैठ के दारू पी जावे। कुछ आण उर्लिक चुप रहा और पड़े पड़े तेज बाढ़ की सीटी सुनता रहा। उसके मन में एक नवी बात आई, एक नवा ख्याल, जो दिमाग के खेत में गुंडियां की डाल फूटना शुरू हो गया। जितनी बार भी उसने थोड़ी सी दूर पड़ा वो मानस देखा जो ओठ बिचे अपने दर्द तय लड़न लग रहा था, उतना ही पक्का उसका यू ख्याल भी होता गया। जिस हिसाब तक उसके दर्द दर्द कोट बदन लग रहे थे, उसे हिसाब तक उसके भीतर कदीमी जमी और नफरत पिघलन लग रही थी। रहो भाई, उर्लिक ने बोलना शुरू कराया, जे तेरे आदमी पहलम आ जाए तू वाह करिए जो तेरे पे बना है।
उसमें कुछ गलत को नहीं, जड़े तक मेरी बात से मेरा मन बदल गया। सारी उम्र बीत गई, आप इस छोटी सी दो कोड़ी की बणी पे रक्षा की डाल लड़दे आन लग रहे हैं। यू बण जड़े मड़ी सी तेज बाल में रूख भी सीधे नहीं खड़े रह सकते, उरे मानस की के मजाल। आज आड़े पड़े पड़े मेरे तो यूए ख्याल आया कि आप दोनों बोले थे, जिंदगी में एक ड्योल और उसके रोले तो बहुत बड़ी बात से। देख प्यारे, जितने मंजूर हो और तू भी इस आग ने बुझाण में मेरा साथ देवे, मैं न्यू कहूं चल दोनों याड़ी बनकर रवेंगे। जोरक जीनियम चुप पड़ा था। उर्लिक ने लग गया कि वो लू बह बह के सुनो लिया। कई आण पाछे जोरक ने मरी मरी सी आवाज में बोलना शुरू कर, सारे गांव गुआंड सुनने रह जाएंगे जब आप दोनों घोड़िया पर चढ़ के इकट्ठे बाजार में जावांगे। आज तक किसी ने भी एक जीनियम और ग्रेडविच को भले मानसा की डाल बतलांदे हो नहीं देखा होगा। जे आज की रात अपना रोला खत्म हो जाए तो अपने खेता में काम करने वाले मानस और लुगाई भी कितने सुखते रहेंगे। जे अपन दोनों भाईचारा रखेंगे फिर किसी बिराने आदमी की तो हिम्मत को नहीं, सारा इलाका सुखते बसेगा। नए साल की रात ने तो मेरी झुपड़ी में सोइए और दिन में दोनों तेरे महल में खाना पीना करेंगे। मैं तेरी जमीन पर आकर सिर्फ उस दिन बंदूक चलाऊंगा जब तू शिकार खेलन खातर मेरे घर खुद न्योंदा भेजेगा। तू भी मेरे तो आया करिए मारे जोड़ वाले खेत में, शिकारा की कोई कमी को नहीं, 20-20 कोस ताई कोई रोला नहीं कर सकता जे आप दोनों ना लड़ा तो। तेरे मेरे रिश्ते में नफरत ते न्यारा और कुछ भी हो सके या बात तो कदे मैंने सोची भी को नहीं। पछले आधे घंटे में मेरा भी मन और सा हो गया और फिर तने इस घड़ी में दारू ने टोक गया। उर्लिक वान ग्रैंडविच, तेरी बात सिर माथ है, मने तेरी आड़ी मंजूर। चुपचाप दोनों सोचन लग गए कि इस दादा लाई रोले का यूं जो चाले पाड़ निपटारा होया इस तय जिंदगी कितनी समर जाएगी। जंगल में बाल का इब भी न्यू का काटा उठ रहा था, उरे पड़े पड़िया ने इब तो बस या आस थी कि कौन सी टोली टोंदे टोंदे उड़े पहुंच गई, पहुंच जाएगी और दोनों ने काट लेगी। दोनों मने मन बस एक बात मनावे थे कि उसकी टोली पहलम पहुंचे और उस बैरी की मदद करने का मौका मिले जो ही प्यारा बन लिया था। बाल थोड़ी सी नरम पड़ी तो उर्लिक बोलिया, थोड़ी सी शांति हुई सर, इब आपा ने मदद खातर रुक के मारने चाहिए। इन जाड़ बोझड़िया में आवाज दूर तक तो नहीं जानी। जोरक बोलिया, फिर भी कोशिश करण में केर जा। दोनुआ ने शिकारियों की बोली में लंबी किलकी मारी। एक बार फिर कट्ठे, जब कोई जवाब नहीं आया तो उर्लिक बोलिया, कुछ नहीं सुनदा, इस एक साली बाल की गूं गूं से बस। जोरक ने खिंच के कहा, थोड़ी सी आण में सब चू चा चप। फिर उर्लिक खुश होकर सिट्टी मारी, कोई सहज आण लग रहा है, ठीक उसे राई जुनसी मैं आया था। दोनों ने सारा जोर लाकर फिर रुक्का मारा, उन्हें अपनी आवाज सुन ली, वह रुकेंगे, उन्हें अपन देख लिए सा, वह पहाड़ी पैते तले बस दे आण लग रहे से अपने कानी। उर्लिक जोर ते चिख्या, कितने जने से? जोरक ने पूछा, साफ साफ नहीं दिख रहे। उर्लिक ने कहा, 9 या 10 तो होंगे। फिर यह टोली तेरी से? जोरक बोलिया, मेरी गैल तो बस 7 जने आए थे, वह पूरा आंगा लागे बस ध्यान लाग रहे से, इनका जोश तो देख। उर्लिक ने अजीब सी डाल क्या, तेरे लिए टोली से ना? जोरक ने पूछा, रे तेरे आदमी से ना? फिर जोरक ने अड़बड़ा के पूछा, जब उर्लिक का कोई जवाब नहीं आया, ना मेरे को नहीं। उर्लिक ने बेतुकी सी हंसी हंसते हुए कहा, उसकी हंसी में दुख लाचारी और डर का बेशाबा मेल था। ओ बाबू, या फिर सै कौन? जोरक ने घबरा के पूछा, असली मालक। जोरक ने पूरा जोर लाकर अपनी आंख खोल ली और उन्हें देखने लग गया जिन्हें देख के उर्लिक ने अपनी आंख बंद कर ली थी, भेड़िए। यदि इस कहानी के नाम बदल दिए जाएं तो यह कहानी बिल्कुल अपने ही परिवेश की है। दो जमींदार हैं जिनके मन में सिर्फ
एक दूसरे के प्रति नफरत है और उसका कारण है उनकी ईगो, उनकी कदीमी खानदानी दुश्मनी जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है, और वो एक दूसरे के बारे में दूसरी बात सोच नहीं सकते और एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए उनके अंदर एक ही बात पल रही है। लेकिन जब वो इकट्ठे होते हैं और उनके ऊपर एक मुसीबत आती है दोनों, तो उनकी अपनी जो मानवता इंसानियत है वो जागृत होती है। वो एक दूसरे से संवाद करते हैं और एक जो दुश्मनी है जिसका कोई कारण नहीं है उसको समाप्त करने का बीड़ा उठाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, खुश होते हैं। तो कई स्तरों पे ये कहानी काम करती है, कई इसकी परतें हैं, कई लेयर्स हैं। प्रकृति और मनुष्य के बीच का संघर्ष है, मनुष्य की जो अपनी आंतरिक भावनाएं हैं, उसकी अच्छाइयां और उसकी बुराइयां, उसके बीच का जो संघर्ष है, और मनुष्यों के बीच में जो शासन सत्ता है उनके बीच का जो संघर्ष है, इसको वो उद्घाटित करती है। और एक कहानी इतनी परतों को उद्घाटित करती है, ये उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसका हरियाणवी अनुवाद भी आपको पसंद आया होगा।